हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी, जो हमारा पार्ट है SST का 10th क्लास में, उसका एक चैप्टर है एग्रीकल्चर। उसमें हमारे एग्रीकल्चर के पार्ट्स दिए हैं कि एग्रीकल्चर कितने भागों में बंटी हुई है। बताया गया है कि सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए कि भाई जो एग्रीकल्चर है वो क्या है। कि भाई देखो, आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड, भाई खेती, जो खेतों से फसल उगाने का जो तरीका होता है, जो कला होती है, उसे ही एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो सिविलाइजेशन में भी इसके कुछ प्रमाण मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उस ज़माने में भी लोग बाग खेती किया करते थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रो और जो भाग हैं इसके उसके पार्ट्स को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे आपके अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। पूरी वीडियो देखना, समझ आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना फिर चैनल को। देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इंट्रो लिख रखा है। एक इंट्रो मतलब डेफिनेशन टाइप होता है। इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग विद लिव स्टॉक। अब इसमें एक नई चीज़ और जोड़ दी गई है। अब इसमें जो डोमेस्टिकेट जो जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको पालना भी, भेड़, इनको पालना भी इसमें एग्रीकल्चर में ही शामिल कर लिया गया है। और अब आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं मैं बता रहा हूँ, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर को क्या है, डिफ्रेंशिएट कराया गया है, इसको बांटा गया है दो भागों में, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, एक तो मौसम के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग मेथड, किस तरीके से हम उसकी फसल को यूज करते हैं, उस आधार पर एग्रीकल्चर को दो भागों में बांटा गया है। अब हम उसके भी कुछ एक भाग है, जैसे कि भाई सीजन के आधार पर देखें तो खरीफ, रबी और जैद, आप सब जानते हैं इनके बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़े तो आप समझ में आ जाएंगे। खरीफ सीजन जो होता है, खरीफ जो क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं रेनी सीजन की, बरसात की। रबी जो होती है वो विंटर की, और जो जैद होता है वो पड़त, अपने भाषा में कहें तो। और लेकिन जब कई लोग उगाते हैं उनमें अलग अलग फसलें, वो अलग जैसे। तो अपन शुरू से देखते हैं, सबसे पहले खरीफ की फसलों के बारे में समझेंगे। जून में वही जाती हैं, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसकी जो मेज़र जो क्रॉप्स हैं वो है राइस, मेज, ग्राउंडनट और मिलेट वगैरह, ठीक है। और भी होती हैं, मैं कम लिखा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसकी जो मेन फसल्स होती हैं वो हैं व्हीट, ग्राम, चना मतलब बैरले, क्यूमिन सीड और अफीम एक्सेट्रा। जैद जो फसल होती हैं वो होती हैं फेब अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इनको अगर आप बोना चाहें तो बो भी सकते हैं, नहीं बोना चाहें तो कोई बात नहीं। अक्सर लोग पड़त रखते हैं इस समय पर, खेत को खाली छोड़ते हैं, क्योंकि बार 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 उगाते हैं तो उससे भी क्या है कि जो खेत की फर्टिलिटी है वो डाउन जाती है। इसमें जो मेन जो फसल होती है वो होती है ग्रीन वेजिटेबल्स और फोडर क्रॉप्स, जिनमें वाटरमेलन और गार्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोटल गार्ड भी होता है, और भी कुछ भी उगा सकते हो आप, मतीरा वगैरह, तरबूज, मतीरा, इसमें उगते काचरे वगैरह, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग मेथड के आधार पर देखेंगे तो क्या है, फूड ग्रेन क्रॉप, सबसे पहले तो अनाज, जिनसे अनाज प्राप्त होता है, जिससे को हम खाते हैं, जिनको अपन यूटिलाइज करते हैं, ईडेबल है वो, ईटेबल है, सॉरी। व्हीट है, राइस है, मेज है, लेंटिल है और मिलेट है, ठीक है, ओके। कमर्शियल क्रॉप्स किसे कहते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स ऐसी फसलें जो फटाफट मार्केट में बिक जाएं, और या तो इंडस्ट्रियल उनका यूटिलाइजेशन होता हो, है ना, या फिर रॉ मटेरियल के रूप में वो यूज होती हो। जैसे कमर्शियल क्रॉप में शुगर केन और कॉटन है, और जूट भी है। कॉटन डायरेक्टली बिक जाती है, कॉटन से कपड़ा बनता है आप सब जानते हैं, शुगर केन से गन्ना जो है वो शक्कर बनाता है, और गन्ने के जूस में भी काम आता है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं, बड़े बड़े एक प्लांटेशन लगाए जाते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, हॉट स्पाइसेज, ये बेवरेज के रूप में काम आती है, पीने के लिए और बेचने के लिए भी, इंडस्ट्रियल यूज भी होते हैं इनके, सिनकोना भी उसमें से एक है। गार्डन क्रॉप्स क्या होती है, बागान की फसलें जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए जाते हैं, जैसे मैंगो ऑर्चर्ड हो गया, हाँ, मैंगो का बागान हो गया। तो इस प्रकार से हमारी फसलों को दो भागों में बांटा गया है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।